क्या गांधारी का श्राप है अफगानिस्तान की बर्बादी की असली वजह? अफगानिस्तान में पूरी तरह से तालिबान शासन का नियंत्रण हो चुका है। पूरा देश दशकों से बर्बादी की कगार पर है। पीढ़ियां गुजर गई हैं, नस्लें भी आकर चली जाएंगी, मगर इस देश की बर्बादी का सफर क्या कभी थमेगा? लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर शासन व्यवस्था संपूर्ण रूप से तालिबानी आतंकियों के कब्जे में आ गई है। वर्तमान में मुस्लिम आबादी वाला यह देश प्राचीन काल में हिंदू संस्कृति और रीतियों को मानता था। अफगानिस्तान और भारत का संबंध इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ऐसी मान्यता है कि अफगानिस्तान से भारत का संबंध एक या दो दशक पुराना नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। अफगानिस्तान का भारत से 5000 साल पुराना नाता है। और तो और, इतिहास के सबसे बड़े युद्ध माने जाने वाले महाभारत के षड्यंत्र का आरंभ भी यहीं से हुआ था। आज अफगानिस्तान कराह रहा है। बारूद के ढेर पर कट्टरता का नकाब ओढ़कर बैठे इस देश का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। अफगानिस्तान में चारों तरफ खून खराबा और अफरा तफरी का माहौल है। तालिबान अब अपना असली रूप दिखा रहा है। हर दिन उसकी क्रूरता बढ़ती जा रही है। विदेशी, यहाँ तक कि स्वयं अफगानिस्तान के लोग, अब वहाँ एक क्षण भी रहना नहीं चाहते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का ये आतंक गांधारी के उस श्राप की याद दिला रहा है जो उन्होंने अपने भाई शकुनी को दिया था। मौजूदा हालात में गांधारी के उस श्राप की फिर से चर्चा शुरू हो गई है और मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या गांधारी के श्राप के कारण अफगानिस्तान का बुरा हाल है? जो श्राप गांधारी ने अपने भाई शकुनी को दिया था, क्या अफगानिस्तान की तबाही के पीछे वही श्राप है? दरअसल पिछले 5000 सालों से भारत का अफगानिस्तान के साथ संबंध है। अफगानिस्तान का संबंध महाभारत काल से है। तो आइए जानते हैं क्या था गांधारी का श्राप और क्या था गांधारी का हिंदुस्तान से नाता। महाभारत की प्रभावशाली महिला पात्रों की जब बात आती है तो उसमें गांधारी का नाम भी लिया जाता है। गांधारी हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की मां थी। शकुनी गांधारी का भाई था। गांधारी का संबंध गांधार से था, जिसे आज कंधार कहा जाता है, जो अफगानिस्तान में स्थित है। कहा जाता है कि भीष्म ने गांधारी से धृतराष्ट्र की शादी के लिए सुबल के परिवार को नष्ट कर दिया था। जब पिता की मृत्यु के बाद शकुनी राजा बना तो उसने भीष्म के परिवार से बदला लेने के लिए चाल चली और कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध कराया, जिसमें भीष्म सहित उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया और सिर्फ पांडव ही जीवित बचे। गांधारी के पिता का नाम सुबल था। गांधार राज्य से संबंध होने के कारण ही गांधारी कहा जाता था। राजा धृतराष्ट्र के अंधा होने के कारण विवाहोपरांत ही गांधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। गांधारी पतिव्रता स्त्री थी। महाभारत के युद्ध में कौरवों की पराजय हुई थी। महाभारत के युद्ध में गांधारी के सभी 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। दरअसल कथा कुछ यूं है कि जब शकुनी ने भीष्म से बदला लेने के लिए महाभारत का युद्ध करवा कर कुरु वंश का नाश करवा दिया तो आहत गांधारी ने अपने भाई शकुनी को श्राप दिया था। महाभारत युद्ध जब समाप्त हुआ और महल में जब गांधारी ने अपने सभी पुत्रों के शवों को देखा तो वो क्रोध में आ गई और उसने शकुनी को श्राप दिया कि तुम्हारे गांधार में कभी शांति नहीं होगी और तुम्हारा देश समूल नष्ट हो जाएगा। गांधारी ने शकुनी को श्राप दिया था कि जिस तरह से तुमने मेरे 100 पुत्रों को मरवा दिया, उसी तरह से तुम्हारे देश में कभी शांति नहीं होगी। गौरतलब है, शकुनी का देश गांधार वर्तमान काल का कंधार ही है। कांधार को पहले गांधार के नाम से बुलाया जाता था। गांधार शब्द का प्रयोग महाभारत के साथ साथ ऋग्वेद और रामायण में भी देखने को मिलता है। गांधार शब्द का मतलब होता है गंध, और गांधार शब्द का इस्तेमाल सुगंधित धरती के लिए किया जाता है। यहाँ केसर की उपज बहुत अधिक होती थी, इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान
शिव जी का भी नाम गांधार था। इस बात का उल्लेख हमें शिव सहस्त्रनाम में भी देखने को मिलेगा। इतिहास में वर्णित है कि यहाँ शिव भक्तों का वास हुआ करता था। महाभारत के समय गांधारी अपने 100 पुत्रों के महाभारत के युद्ध में मारे जाने के बाद बेहद भावुक हो उठी थी और उसने अपने भाई शकुनी को उसके षड्यंत्र के चलते रुष्ट होकर श्राप दिया। करीब 5500 साल पहले राजा सुबल गांधार पर राज करते थे। उनकी पुत्री का नाम था गांधारी। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। गांधारी के शकुनी नामक एक भाई था। पिता की मृत्यु के बाद गांधार का सारा राजपाट शकुनी के हाथ में आ गया। भीष्म ने राजा सुबल के पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए शकुनी ने कौरव और पांडवों को आपस में लड़वा कर पूरे हस्तिनापुर का नाश करने की साजिश रची थी। अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी ने क्रोध की अग्नि में जलते हुए शकुनी को यह शाप दिया था, मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले गांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। आज जब तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में कर लिया है, गांधारी के उस शाप को लेकर एक बार फिर चर्चा आरंभ हो गई है। ऐसा समझा जा रहा है कि गांधारी के शाप के दंश से गांधार आज तक उबर नहीं पाया है। अफगानिस्तान में विस्फोट हो रहे हैं। तालिबान तथा अन्य खूनखार आतंकी संगठन अफगानिस्तान की जमीन पर खून की होली खेल रहे हैं। जनता बदहवास है, आदमी विमान से नीचे गिर रहे हैं। यह सब देखकर मन में यह सवाल पैदा होना स्वाभाविक है कि क्या इसके पीछे गांधारी की दुखी आत्मा से निकला शकुनी को श्राप है।